140-150 तक पाकिस्तान को रोक लेंगे तो गेम ऑन। अफगानिस्तान हो या कोई जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक टीम होती है वो बॉल डाल लेती है, कभी भी आप देखना उनकी दिक्कत हमेशा आएगी, जिसे उनको रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि बॉलिंग उनकी चल जाएगी। और अफगानिस्तान के पास तो यार एक से बढ़कर एक मिस्ट्री स्पिनर है ही, बट बैटिंग 20 ओवर में बैटिंग चल जाती है क्योंकि 50 ओवर में उनके लिए बैटिंग एक चैलेंज है। जब 201 रन बन गए थे तो खैर मैं ये नहीं कि रिजल्ट, ये भी नहीं सोचा था कि 59 ऑल आउट, बट ये साफ था कि अफगानिस्तान से ये रन बनेंगे नहीं, बिकॉज जैसे आपने कहा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त वाइड बॉल क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक्स में से एक है। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है मेरे ख्याल से वो ये है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी इन द सेंस कि अब आपको भी टीम बनाने का मौका मिला था, आपको भी 4 साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद टीम बनाने का मौका मिला, उनको ये मजबूरी नहीं है कि यार हमारे ना नीचे 8 नंबर पे कोई बैटिंग नहीं करता, 9 पे नहीं करता तो हम एक ऑलराउंडर घुसा देते हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैटिंग में देख रहा था शादाब 7 पे खेले शायद, फिर उसामा मीर से 8 तक भी ले लो आप, तो उनके पास कोई मजबूरी नहीं है। इवन शहीन 9 पर वो भी ठीक, चलो वो ठीक है, बट उनके पास मजबूरी नहीं है। ऐसा वो आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर जो कि विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं उनको खिला सकते हैं। विकेट टेकिंग का मतलब है रनों के लिए जा सकते हैं, बट वो आपको 3 विकेट दे देगा, कोई को 5 दे देगा, कोई 4 दे देगा। और शादाब भी उनके एक अटैकिंग ऑप्शन ही है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो उनके पास अटैकिंग स्पिनर्स हैं। आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान होगा जब वो बड़े मैच खेलेंगे, भले वो एशिया कप हो भले वो वर्ल्ड कप हो, बट बॉलिंग में पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, उनके बॉलर बैटिंग कर लेते हैं वो ठीक है। यही एक वक्त इंडिया के साथ था, लेकिन अब इंडिया की मजबूरी है, आपने शमी को रखा है, सिराज को रखा है, बुमराह को रखा है, आपने ये 3 फास्ट बॉलर आपकी टीम में है, आपने प्रसिद्ध कृष्णा को भी एशिया कप में रखा है, हो सकता है पता नहीं वर्ल्ड कप में आप किसको रखें किसको नहीं, लेकिन जो आपके डायनेमिक्स बन रहे हैं क्योंकि जडेजा 7 पे हैं और आपके पास 8 पे ही